हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मज़ेदार पकवान में आज हम बनाने वाले हैं बड़े ही मज़े के मेथी के पराठे, जिसे हम चिली गार्लिक चटनी के साथ में खाएंगे। बहुत मज़ा आता है चिली गार्लिक चटनी के साथ में मेथी के पराठे खाने का। होप यू वुड लाइक इट। कीप वॉचिंग। इसमें मैंने बेसन का आटा ली हूँ 500 ग्राम और 750 ग्राम मैंने के करीब मैं ली हूँ गेहूँ का आटा। साथ ही साथ ये 250 ग्राम मैंने कर्ड यूज़ किया। अब ये देखिए, ये है ज़ीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ड्राई रेड चिलीज़ और लहसुन को मैंने इस तरीके से भिगा दिया था ताकि चटनी आसानी से बन जाए। आटे में और बेसन में ये बारीक कटा हुआ मेथी की भाजी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। टू टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। आप इसमें हैंडफुल ऑफ फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे और साथ ही साथ मैंने ये 15 से 16 ये ग्रीन चिलीज ली हूँ, इसे भी हम फाइनली चॉप करके इसमें डालेंगे। साथ ही साथ ये देखिए, मैंने ये एक कैप्सिकम ली हूँ, आप एक दो जितना भी चाहें लें। इसे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है मेथी के पराठों में और हेल्दी भी है। जो हमें चटनी पीसना है उसमें हम ये नमक ऐड कर लेंगे। मैंने ये जो रेड चिलीज थी इसमें से काफ़ी सारी सीड्स मैंने निकाल ली थी ताकि चटनी बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। और ये देखिए, ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये हमारे मेथी के पराठे में कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर ये भी डाल रही हूँ। साथ ही साथ ये 2 टेबलस्पून में घी ऐड कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा इसे एकदम से मसल मसल के नहीं गूंदना है, क्योंकि मेथी की भाजी में से भी थोड़ा सा जो वाटर होता है भाजी के अंदर वो अपने आप रिलीज़ होता है। बहुत कम पानी डाल डाल के इसे गूंदेंगे, आटा गीला नहीं हो जाना चाहिए। अब इस तरीके से ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए आटे को रख दें। अब ये देखिए, ये चटनी के लिए 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो जाए तो हम इसमें ये जो हमारी चटनी का पेस्ट है हम इसमें थोड़ा भून लेंगे। इसमें इस तरीके से रूखा आटा लगा के इसे गोल कर लेंगे और पराठे बना लेंगे।
ऑयल इसमें अच्छा खासा लगाते हैं तो ये पराठे बिल्कुल अच्छे क्रिस्पी होते हैं ऊपर से। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दे दें और दोनों तरफ से इसे सेक लें। अब ये देखिए, ये हमारे मज़ेदार मेथी के पराठे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे जो लहसुन मिर्ची की चटनी है उसके साथ में एंजॉय कीजिए। आपकी फीडबैक्स कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एंजॉय।